घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रियाज ऐप, एक बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन जिससे घर बैठे आप हिंदुस्तानी, कर्नाटक और बॉलीवुड संगीत सीख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो इसमें हर प्रकार का संगीत आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो डाउनलोड कीजिए ये एप्लीकेशन और घर बैठे सीखिए संगीत रियाज ऐप से। नमस्कार, मैं हूं मास्टर निषाद और आप सभी ने अभी अभी देखा एक हारमोनियम का एक अलंकार, एक टेक्निक जो कि झाले में ज़्यादातर यूज़ होती है जब हम इंस्ट्रूमेंटल अंग में झाला बजाते हैं। और इन टेक्निक से आपके हाथ में गति भी इम्प्रूव हो जाती है, स्पीड अच्छी आ जाती है, हाथ में सफाई आ जाती है। फिर आप गायन के साथ भी अगर हारमोनियम बजाते हैं तो बखूब आप बजा सकेंगे। तो आगे वीडियो आप देखिए और इसमें मैं आपको इस टेक्निक को कैसे बजाते हैं वो समझाऊंगा और साथ ही साथ कुछ और टेक्निक्स भी सिखाऊंगा, ठीक है? तो पूरा वीडियो देखिए और जानिए कि क्या हैं वो टेक्निक्स जिससे कि हमारा हाथ जो है बेहतरीन हो सकता है और स्पीड जो है गति अच्छी आ जाएगी और हाथ में सफाई भी आ जाएगी। तो हमें सबसे पहले जो टेक्निक सीखनी है वो, अगर आपने मेरे पुराने वीडियोज़ देखे हैं हारमोनियम टेक्निक्स के, तो आपको मालूम होगा कि नी सा 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 एक टेक्निक मैंने आपको सिखाई है जो झाले की तकनीक है। नी सा सा सा, नी रे रे रे, नी ग ग ग, नी म म म, नी प प प, है ना? ये वादन झाला वादन में मैंने अलंकार बताए हैं। तो ऐसा ही कुछ है कि नी को हम हमेशा कांस्टेंट रखेंगे और पूरा जो अलंकार का पेज है, सारे ग म प द नी सा सा नी ध प म ग रे सा, फिर आता है सा सा रे रे ग ग म म, दो दो वाला, फिर तीन वाला सारे ग रे ग म ग म प, फिर चार वाला सारे ग म रे ग म प ग म प ध, है ना? ये तो आपने सीखे होंगे। तो उसी में ऐड करेंगे हम नी पे अंगूठा लगाते हुए सारी जो बाकी के साथ सुर हैं उनको बजाएंगे। कैसे? नी सा, फिर नी रे, नी ग, और उसमें कोई उंगलियों का ऐसा निश्चित नहीं है कि ये सारे गम पे जो उंगलियां लगती है वही उंगलियां लगेंगी, ऐसा कोई निश्चित नहीं है। तो नीसा पे पहली आ गई, नीरे पे दूसरी भी लगा सकते हो, पहली भी लगा सकते हो, आपके उंगलियों के कंफर्ट पे डिपेंड करता है ये। नीसा, नीरे, नी ग, है ना? हर सुर से पहले नी लगा लेना। नीसा, नीरे, नी ग, नी म, नी प, नी ध, नी नी, नीसा, है ना? फिर नीसा, नी नी, नी ध, नी प, नी म, नी ग, नी रे, नी सा, है ना? तो ये कैसे बजेगा? अब म तक तो मैंने पहली उंगली से बजा लिया, फिर प पे मैंने दूसरी लगा दी थी और ध पे तीसरी, है ना? तीसरी से हो गया। आप देख लीजिएगा आपके कंफर्ट क्या बनता है। ये पूरा अलंकार हो गया। दूसरा अलंकार बजाओ, है ना? हर सुर दो बार हो रहा है, यानी ये समझ लीजिए हर सुर के साथ नी जुड़ चुका है, है ना? फिर वही पेज आपको बजाना है। तो तीसरा बजेगा तो नीसा, नीरे, नी ग, नीरे, नी ग, नी म, नी ग, नी म, नी प, नी म, नी प, नी ध, सबके साथ नी जुड़ चुका है। तो ये तो एक तरीका हो गया। पूरा पेज कैसे बजेगा? है ना? फिर यही चीज़ क्या है, आप बजाते बजाते जब म्यूजिक बजा रहे हो या ताने बजा रहे हो या कुछ बजा रहे हो तो ये रैंडम भी कर सकते हो। जैसे कोई सा भी सुर लगा सकते हो, कोई सा भी सुर लगा दिया, कोई पैटर्न नहीं है, ठीक है? फिर दूसरी टेक्निक होती है जिसमें सा सा जाना है। इसमें ये जो ऊपर वाला सा ये कांस्टेंट रहेगा, तो आप हाथ की पोजीशन देखिए कैसी बना ली है मैंने, है ना? ये जो उंगली है ये कर्व है,
थंब सीधा है और ये दोनों उंगलियां जुड़ी हुई है, हाथ हल्का कर्व रखेंगे तो हारमोनियम पर बेहतर रहेगा आपका, है ना। ये मैंने पोजीशन बनाई है। अब इसमें हर सुर जो है वो अंगूठे से बजेगा और ऐसे हाथ चलेगा, ये है ना, इसमें ये करना है। इन दोनों को दो से बजाओगे तो मेरा कंफर्ट पड़ता है, आप एक से भी कर सकते हो, तीन से भी कर सकते हो, पर मेरे ख्याल से ये दो, क्योंकि बराबर की उंगलियां होती है, बाकी जो है थोड़ी छोटी पड़ेगी। ऐसे बजाओगे तो हाथ ऐसे खींचेगा और इनसे तो बजा नहीं सकते, तो ये बेहतर रहती है पोजीशन। फिर अंगूठे से शुरू करना है, है ना, ये सा सा रे सा ग सा म सा, है ना, सबके साथ सा जुड़ गया है बस। अब नी तक तो ठीक बजा लोगे आप, लेकिन सा में, सा पे अंगूठा भी लगाना है और ये भी लगाना है। ये जो है ये देख लो आप, ये थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। इसमें क्या किया मैंने, ये किया तो ये दूर हो गया अपने आप और ये इधर आ गया, थोड़ा मुश्किल पड़ेगा पर हो जाएगा रियाज से। ठीक है, फिर दूसरा अलंकार, है ना, ये रियाज से आपका ऐसा बन सकता है। बस ये ध्यान रखना है पूरे पेज में सा 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 हर सुर के आगे जोड़ देना, है ना। फिर इसको आप रैंडम कैसे भी बजा सकते हो, कोई सा भी सुर आप इसमें रैंडमली जोड़ सकते हो। तो ये नीसा नीरे नीगा नीमा वाली और सासा सारे सासा रेसा गसा मसा वाली टेक्निक, ये दो तकनीकें आपको रियाज करनी है। अलग अलग लयों में, अलग अलग स्केल से, अलग अलग थाटों में भी कर सकते हो इसको, और अच्छा आपका ये जो है हारमोनियम पर हाथ तैयार कर देंगी। ठीक है, तो ऐसे ही देखते रहें संगीत प्रभा वर्ल्ड की वीडियोज़ और इन तकनीकों को सीखें और सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।